हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन कुकिंग स्टेशन अराउंड द किचन। सो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक ड्राई सब्जी। जी हाँ, अरवी की सूखी सब्जी, जिसको टारो रूट भी बोलते हैं कई लोग, पेचकी भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। तो विदाउट एनी ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्या हमने चाहिए बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमने लिया हुआ है यहाँ पे अरवी, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। 2 whistles तक हमने इसको बॉईल करना है। ध्यान रखें, ओवर कुक ना करें इसको, ठीक है। बहुत जल्दी ये पक जाती है, 2 whistles तक पकाएं। और इस अरबी जो मैंने यूज़ की हुई है, थोड़ी सी बड़ी थी साइज़ में, तो कुछ मैंने इसको बीच में से काट लिया है, और कुछ के जो छोटी हैं आप उसको राउंड शेप भी रख सकते हैं। साइज़ आप पर डिपेंड करता है कैसा करना है। बहुत ज़्यादा इसको ना पकाएं, ध्यान रखें, नहीं तो ये मशी हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमने नहीं करनी है, ठीक है। अलग अलग खिली खिली बने वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। और इस तरीके का शेप कट कर ले। मिर्ची ले लेनी है, उसको लंबा लंबा काट ले। बेसन लिया हुआ है मैंने, तकरीबन 2.5 tablespoons है, ठीक है। थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ किया हुआ है, अमचूर पाउडर, और मसालों में अजवाइन का हमने इसमें तड़का लगाना है, हल्दी लिया हुआ है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, पेपरिका लिया हुआ है, एंड सॉल्ट टू टेस्ट लिया हुआ है। ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, लाइक नॉर्मल सब्जी से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 3 tablespoons लेना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। गैस ऑन कर दें, पैन रख दें, एज यूजुअल जो हम करते हैं हमेशा हमेशा की एक लाइन, ठीक है। जैसे ही पैन गर्म हो जाए उसमें तेल डाल दें। स्पून से डाल रही थी मैं, लेकिन बहुत देर लग रही थी, तो मैंने सोचा कि बस उसका टिफ़िन उठाते हैं और उसे डाल देते हैं। तो जैसे तेल गर्म हो जाए इसमें अजवाइन डाल दें, ठीक है। और सॉरी, मैं हींग मेंशन करना भूल गई वहाँ पर, ठीक है। इसमें हींग भी डालें, एक तो डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। हम अजवाइन भी डालने का रीज़न यही है कि अरवी अगर किसी को वादी करती है, ठीक है, जिसका वादी का शरीर होता है उसके लिए अरबी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। बट अगर आप अजवाइन एंड हींग यूज़ कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा उस प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। जैसे ही ये तड़क जाए, प्रॉपर से क्रकल हो जाए, हल्दी उसमें डाल दें, ठीक है। हल्दी जैसी लगे पक गई है, इसको 20-30 seconds के लिए पकने दें। धनिया पाउडर डाल दें, और धनिया पाउडर के साथ ही इसमें बेसन डाल दें, ठीक है। और इसको मिक्स करें, 1 minute के करीब हमें इसे पकाना है। गैस को स्लो ही रखें पूरी प्रोसेस में, आप इस चीज़ को ध्यान रखें, अरवी जब बना रहे हैं पूरी प्रोसेस में गैस को बिल्कुल स्लो रखें, स्लो टू मीडियम, ठीक है, ज़्यादा तेज ना करें, ठीक है। और इसको मिक्स करते रहें, नहीं तो ये जल जाएगा। और जैसे ही लगे कि आधा सा पक गया है बेसन, इसमें जो पेपरिका पाउडर है वो डालें। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं फ्रेंड्स, तो आप नॉर्मल जो रेड चिली देगी मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती हूँ, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि द सेम सब्जी जो हम लोग खाते हैं वही मेरी बच्ची खाती है, तो हम ट्राई करते हैं कि कम तीखा खाएं, ठीक है। और नमक मैं इसी टाइम में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसका रीज़न है कि सूखी सब्जी है, अगर आप नमक ऊपर से डालोगे तो कहीं कहीं मिक्स ना होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए अगर आप उसके मसाले में ही डाल देंगे तो वो प्रॉपर से जहाँ जहाँ भी मसाला लगेगा नमक इक्वल होगा हर जगह, ठीक है। और जैसे ही मसाले में नमक मिक्स हो जाए, अरवी उसमें डाल दें, उसको प्रॉपर से एक मिक्स कर दें, उसको मिक्स दे दें अच्छे तरीके से। और जैसे ही मिक्स हो जाए इसे हमने अब पकाना है। मैंने हरी जो मिर्ची ली थी स्टार्टिंग में नहीं डाली, जस्ट बिकॉज ऑफ तीखा। मुझे सिर्फ एक हरी मिर्ची का एक जो अरोमा होता है, जो फ्रेशनेस होती है, वो चाहिए सब्जी में। चाहें तो आप उसको अलग ईजिली निकाल भी दें, दैट्स द रीज़न मैंने लंबी लंबी मिर्ची ली हुई। आप चाहें तो बारीक काट के, और जब आप मसाला फ्राई कर रहे हो ऑयल में जब अजवाइन डाला तब भी डाल सकते हो, ठीक है। बट मैं ये अभी डाल रही हूँ, और बस इसको ढककर पकने दें। तकरीबन पूरी प्रोसेस में लगता है फ्रेंड्स 10 मिनट का टाइम, ठीक है, 10 से 12 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमें इसको बीच बीच में चलाते रहना है, और ध्यान रखें कि आप गैस स्लो पर रख रहे हैं, नहीं तो अरवी जल जाएगी, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको बस पकने दें, बीच बीच में चलाते रहें। तो ये 2 से 3 minutes हो गया है, ठीक है। इसमें जो भी वेपर बनता है ना पानी को, उसको उसी में डाल दें, जिससे उसको मॉइस्चर जो है कम नहीं होगा, ठीक है। और उसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे हम, आप देख रहे हो अरबी जो भी एक दूसरे से लग रही ना, आप उसको अलग कर दो, लग रहा है कि जहाँ मसाला नहीं है हट रहा है, तो आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, जिससे, और सॉफ्ट हाथ से। ये बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा उसको एकदम से ऐसे मैश मैश करके नहीं चलाना, हल्के हाथ से उसको स्टिर करें, नहीं तो अरबी उबली हुई है गल जाएगी, घुल जाएगी वो, ठीक है, जो कि अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इतने टाइम में जो गर्म मसाला था वो इसमें डाल दें, जिससे गरम मसाले का जो अरोमा है वो अच्छी तरीके से उसमें भिज जाएगा। और अमचूर डाल दें, अमचूर इज़ द मेन पार्ट एक्चुअली, ठीक है। अरवी एक ऐसी सब्जी है जितनी खट्टी होती है ना उतनी अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि इसका खुद का एक टेस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि जैसे कि हम बहुत सब्जियों में बोलते हैं इसका खुद का एक टेस्ट होता है, तो
तो वो अच्छा लगता है। ठीक है, लौकी है, ज़्यादा मसाले मत डालो, टेस्ट चला जाएगा। भिंडी है, चला जाएगा। अरबी में ऐसा नहीं होता, तो आप उसमें मसाले डालोगे तो ही उसका टेस्ट बढ़ेगा। बेसन डालने का भी रीज़न वही होता है। तो बस इसमें अमचूर डाल दें अच्छा खासा, और अगर आपको लग रहा है कि सब्ज़ी थोड़ी सी ड्राई हो रही है तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून के तकरीबन इसमें पानी डाल दें, जिससे बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो वो गीली बन जाएगी, इतना कि मसाले अच्छे से वो ऑब्जर्व कर ले और सूखी भी ना लगे बहुत ज़्यादा और वो पनीली भी ना हो जाए। ठीक है, और इसको ढककर के पकने दें 2 से 3 मिनट के लिए। हो गया है ये तकरीबन, आप समझ लो कि वही 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इसको मिक्स कर दें और ये बन करके रेडी है अरबी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि पकी नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए इसको और कर लें, बाकी जो अभी जो इसकी कंडीशन है ये ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रही हूँ इसमें, एक जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे खट्टा खाना बहुत पसंद है, चटोरी हूँ मैं, सीरियसली खट्टे के लिए बहुत चटोरी हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, गैस को ऑफ़ कर दें। जब हम लेमन किसी चीज़ में डालते हैं तो ट्राई करें इसको कुक ना करें। ठीक है, तो गैस बंद कर दें, लेमन स्क्वीज़ कर दें, नहीं खाना है आप बिल्कुल भी ना डालें उसको, बट मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरे जैसे जो भी खट्टे के चटोरे होंगे उनको भी अच्छा लगेगा, तो भाई उनके लिए तो है ये एडवाइस, डालो बहुत अच्छा लगता है। नहीं डालना है, नॉर्मल खाना है, तो अमचूर विल बी फाइन। ठीक है, और इसको मिक्स कर दें, गैस बंद है, ढक करके रख दें सर्व करने से पहले 5 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छे से हर चीज़ मिक्स हो जाएगी एक दूसरे में। ठीक है, और बस दोस्तों इसको खाइए परांठे के साथ, पूरी के साथ। रोटी के साथ इतनी अच्छी नहीं लगेगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि रोटी भी सूखी होती है, घी लगा लेते हैं बट सूखी होती है। ठीक है, उसका जो प्रॉपर से जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है, पराठे के साथ खाओ, पूड़ी के साथ खाओ, हाय हाय, कोई भी गीली सब्जी है साथ में लो, मतलब इतनी टेस्टी लगती है ना, मेरी तो फेवरेट सब्जी है। खैर, तो बस ये बन गई है, इसको सर्व करो। ठीक है, और बस जल्दी से जाओ खा लो, मैं भी खा लेती हूँ। ठीक है, और बस यही है, बन गई सब्जी, और बस डू गिव इट अ ट्राई एंड डू लेट मी नो हाउ इट टर्न्ड आउट फॉर यू। एंड यस फ्रेंड्स, अगेन आई विल टेल यू द सेम थिंग, सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री है, और बेल आइकन जो है वो मैं भी बोल दूँ, प्लीज़ उसको क्लिक कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।